पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रमीज राजा ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत ने अब पाकिस्तान को इज्जत देना शुरू कर दिया है। अब उनके इस बयान पर भारतीय स्पिनर अश्विन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रमीज राजा ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान का पिछले कुछ टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत पर 10 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में भी जीत दर्ज की थी। हालांकि ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने भी अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम को दूर चटाई। रमीज राजा ने भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अपने बयान में कहा था कि स्किल और टैलेंट से ज्यादा मेंटल मैच होता है, तो अगर आप स्वभाव से मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से फोकस्ड और हर मानने को तैयार नहीं है तो छोटी टीम भी बड़ी टीम को हरा सकती है। पाकिस्तान हमेशा से अंडरडॉग रहे हैं जब भी भारत से मुकाबला हुआ, लेकिन देर से ही सही उन्होंने हमें सम्मान देना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके ख्याल में ये है कि पाकिस्तान हमें कभी हरा ही नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को क्रेडिट दीजिए क्योंकि एक बिलियन डॉलर टीम क्रिकेट इंडस्ट्री को हम हराते हैं। मैं तो एक खुद विश्व कप खेला हूँ, हम लोग तो इंडिया को हरा नहीं पाते। इस टीम को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि भारत की तुलना में सीमित संसाधनों के साथ तैयार होकर ये तगड़ा मुकाबला करते हैं। अब उनके इस बयान पर अश्विन ने कहा कि विपक्ष का सम्मान करना हार जीत से तय नहीं होता। अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष का सम्मान करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो जीत और हार के साथ आती हो। हम निश्चित रूप से उस पाकिस्तानी टीम का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए ये क्रिकेट का खेल है, ये प्रतिद्वंदिता काफी बड़ी है और दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन दिन के अंत में बतौर क्रिकेटर और इस खेल को खेलने वाले व्यक्ति के रूप में समझते हैं कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। खासकर T20 फॉर्मेट में अंतर काफी करीब हो जाता है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। उम्मीद है दोनों टीमों के बीच फैंस को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।